Hello students of class 6, welcome back to the building block section. Now we are going to study the pronouns. What are the pronouns? Let's read from the book first. Pronouns are the words that are used for or in place of nouns in order to avoid unnecessary repetition. The words which are used in place of nouns. Normally, what are the nouns which we use in a sentence? It is the name of a person, either a boy or a girl, name of animal, place, thing. तो उनके बदले जो हम वर्ड्स यूज करते हैं टू अवॉइड द रेपिटेशन. सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट फॉर सपोज राम इज ईटिंग एन एप्पल. राम टोल्ड दैट एप्पल इज सो टेस्टी. राम लाइक्ड एप्पल वेरी मच. अब हमने राम को 3 बार रिपीट किया. अगर हम कहते हैं राम इज ईटिंग एन एप्पल, ही सेड दैट द एप्पल इज सो टेस्टी, ही लाइक्स एप्पल्स. ओके, तो अभी हमने राम का रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए किस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया? हमने सब्स्टिट्यूट किया ही को. तो अगर हम कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन. नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द सेंटेंस. ही इज कॉल्ड द प्रोनाउन. शामू इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. शी लिव्स विद हर ट्राइब इन द शहदरी हिल्स. हर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर फादर, मदर एंड ब्रदर. द काउ इज हर्स. दिस इज देयर हाउस. नाउ the words which are used in place of Shamu. She, her, then again her, then hers, this and their. These words are known as the pronouns. So the words which are used to replace nouns or to avoid the repetition of the nouns, those words are known as pronouns. Now what are the different types of pronouns? First is personal pronoun. Okay, the personal pronouns take the place of a specific or named person or thing. जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो वो जो प्रोनाउंस उनकी जगह यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. सी, नाउन की जो प्लेसेस होती हैं सेंटेंस में, दो जगह पे होती है. नाउन इज प्लेस्ड एट 2 प्लेसेस इन अ सेंटेंस. वन इज एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, दैट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन. एंड अनदर वन इज जब डूअर कोई एक्शन करता है तो उसका इफेक्ट जिस दूसरे नाउन पे आता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे राम इज ईटिंग एन आइसक्रीम. तो राम डूअर एक्शन का, राम काम को कर रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, ईटिंग हो गया मेन वर्ब. पर राम के खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? किसकी क्वांटिटी घटती जा रही? दैट इज द आइसक्रीम. सो आइसक्रीम इज द ऑब्जेक्ट. ओके, सो द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगेन दोज प्रोनाउंस विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, दोज प्रोनाउंस आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस. नाउ सब्जेक्ट प्रोनाउंस. दीज प्रोनाउंस आर यूज इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो एक्शन के डूअर की जगह यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन पर हम, वो क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस में, सॉरी सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या आ सकता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. दीज प्रोनाउंस आर यूज इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी ऑफ द ऑब्जेक्ट. द एक्शन इज डन टू देम. दे जनरली कम आफ्टर द वर्ब. तो एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट. अब हमें देखना है कि प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस पर होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन आई ऑब्जेक्ट में जाके बन जाता है मी. आई का क्या बनता है? मी. यू का रहता है यू. He से बनता है him, she से बनता है her, it remains it. ठीक है, plural को देखें तो we से बन जाता है us, you remain same, they से बन जाता है them. ठीक है, अब हम जब possessive उसकी बात करते हैं, to show the position. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं this is her book, this is his book, this is their book, तो ये क्या होते हैं? पजेसिव. जब हम किसी नाउन, किन्हीं दो नाउन्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं तो हम कौन से प्रोनाउन को यूज करते हैं? हम पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं. ठीक है, तो अवर से बन जाता है अर्स, माय से बनेगा माइन, योर से बनेगा योर्स, हिस से बनेगा शी, से बनेगा हिज, शी से बनेगा हर, अवर से बनता है अवर्स, यू से बनता है योर्स या योर, और इट से बनता है इट्स या फिर देयर्स. ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स. इज दैट क्लियर? मूविंग फर्दर, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउन्स.
An adjective is used to describe a noun in a sentence where a pronoun is used in the place of a noun. This is my car. ये क्या हुआ? Possessive adjective. Now one difference is that एक हम simple difference देख सकते हैं कि जो possessive adjective है वो कहाँ रहा है? Noun से पहले. My car दिया हुआ है noun से पहले और mine का दिया हुआ है noun के बाद. So it's very easy to find it out. Is that clear? Moving towards the next part, demonstrative pronoun. जब हम pronoun, जिन pronouns को हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए use करते हैं, which are used to point out a specific person, place, animal or thing, those are known as demonstrative pronouns. And demonstrative pronouns are simply four: this, that, those and these. जब हम किसी पास वाली चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वहाँ पर हम use करते हैं this और these. This for singular, these for plural. और जब हम किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करते हैं those और that, तब यूज करते हैं those for singular and that for singular, plural. This is a book, that is a car. These are ducks, those are trees. Can you see that? Now indefinite pronouns are used to refer to persons, places or things without specifying for one. Which one? एक को छोड़ के जब हम सबकी शामिल में बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? Indefinite pronouns. Indefinite pronouns means जिनका number decided नहीं है, या जब कोई person decided नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं indefinite. जैसे someone will go, everyone will go, each one of us will go, okay? Everybody will go, nobody will go, anybody can go, somebody can go, all together, each, every, some, none. These are known as indefinite pronouns. Introductory pronouns are the simple pronouns which are just used to ask questions. So all the WH words come under interrogative pronouns. Interrogative pronouns are the pronouns used to ask questions. All the WH words, just as who, whose, which, whom, where, why, how, these all are known as interrogative pronouns. Is that clear? So let's move towards the exercise. Someone gave me this shirt to try on. What type of pronoun is it? Now someone. No fixed person is there, so it is indefinite pronoun. What happened next? Again asking question, so it is interrogative pronoun. These books are mine. Showing possession, so it is possessive pronoun. I saw my dad and gave him my bag. Personal pronoun, person pronoun, and that also object pronoun, him. She finished everything in the morning. It is subject pronoun. The mosquitoes buzzed around him, object pronoun. Now choose the option that best completes the sentence. This is homework. Do it by yourself. Next, let's try 9. Will again be the homework. Any pronoun you can fill in. Now let's move towards the practice book. My turn to homework. My turn 3 is homework. My turn 4 is again homework. For my turn 4 we can do it here also. Our group is larger than theirs group. Our group is larger than theirs. Okay, this much only. Seema ordered a pizza. They were delicious. Now pizza is singular. So what will come here? It will come Seema ordered a pizza. It was delicious. The yellow cardigan is his. No, the yellow cardigan is
his. The books are here. This is all my books. The books are here. Those are all my books. Rhea has got a new laptop. It is blue in color. No, it is blue in color. It is. To complete the project, my friend and me bought some books. My friend and I. To complete the project, my friend and I bought some books. Okay. Now, writer's workshop. You have to write a narrative paragraph here. Now, what is the meaning of a narrative paragraph? Narrative paragraph is used to describe an event. Okay. It is used to describe an event that you have seen, that you have observed. You are playing in the park and meet an old man who says something you will never forget. You have to choose one topic, any one topic. You are an old coin telling your life story. You are a milkman and in a strange incident. You will not. Okay. So before doing this paragraph, we will move towards again our course book. Or let's check the narrative paragraph in the other part of the video. Okay, that's all in this video. Thanks for listening.